नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। जनपद सिद्धार्थनगर में कार्यरत जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर MW खान विगत कई महीनों से विवादों से चर्चित हैं। विगत दिनांक 7 जून 2020 को जिला चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर राम गुलाब सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया, जिसमें उन्होंने डॉक्टर MW खान, डॉक्टर अतहर जैर एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बाबू पर बंद होकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। इससे पहले जनपद के डुमरियागंज तहसील अंतर्गत स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात लैब टेक्नीशियन दिग्विजय पांडे ने 22 अप्रैल 2020 को डॉक्टर MW खान को फोन पर गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था। जब इस पूरे प्रकरण को लेकर डॉक्टर MW खान से बात की गई तो उन्होंने बात की कि 14 वर्ष की नौकरी मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि लोग मुझे द्वेषवश षड्यंत्र रचकर फंसा रहे हैं। वायरल वीडियो में जो घटना समय बताया जा रहा है, उस समय में CMO के साथ मीटिंग में था मैं। बेबुनियाद है, कोई भी चीज हुई है तो वो मेरे संज्ञान में नहीं है। वो सीधा मीडिया के थ्रू मेरे पास आया कि मेरे ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं। जिस वक्त की ये घटना है, उस वक्त मैं अपने आदरणीय CMO महोदय के साथ बैठ के DHS मीटिंग की तैयारी कर रहा था उनके आवास पर, और वहाँ से करीब 11 बजे अपने कार्यालय में यहाँ पे आया और अपने DPC पंकज के साथ बैठ कर PPT बनाने लगा, और 11:45 तक मैं अपने कार्यालय में बैठ के PPT ही बना, और यहाँ से उठने के बाद मैं सीधा DHS में DM साहब की मीटिंग में चला गया। शाम को भी मुझको कुछ नहीं मालूम, करीब 7-8 बजे के आसपास कुछ पत्रकार भाइयों का फ़ोन आया मेरे पास कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तो मैं खुद चौंक गया कि तो मुझे कोई जानकारी थी नहीं। और फिर उसी वक्त मैंने इसको सीने से खारिज किया कि मेरा इस पचड़े से या जो भी आरोप है वो बेबुनियाद। मेरी 14 साल की नौकरी में ये जो भी लफड़े हो रहे हैं, 3-4 महीने से हो रहे हैं, और व्यक्ति विशेष है, द्वेषवश है। यहाँ पे काम करने का कल्चर नहीं था। मेरे आने के बाद, DTO बनने के बाद, मैंने काम कल्चर को डेवलप किया, जिसका रिजल्ट है कि आज मैं सेकंड पोजीशन स्टेट में लेकर बैठा हुआ हूँ। बिना काम किए हुए, बिना तपस्या किए हुए कुछ चीज़ नहीं मिलती। कुछ लोगों को मेरे काम से परेशानी है, उनका धंधा पानी बंद हो गया है, उनकी ठेकेदारी बंद हो गई है, तो जाहिर सी बात है वो तरह तरह के आरोप मेरे ऊपर लगा। CMO सीमा राय ने दोनों शिकायतों का खंडन करते हुए कहा कि एक निलंबित LA के बहकावे में आकर 2 महीने पहले दिग्विजय पांडे द्वारा आरोप लगाया गया था, जबकि डॉक्टर MW खान द्वारा दिग्विजय पांडे को जो जिम्मेदारियां दी गई थी उसको समय अनुसार पूरा नहीं किया गया था, तो विभागीय कार्यवाही से बचने के लिए डॉक्टर MW खान पर गाली गलौज एवं जान से मारने का आरोप लगाया गया था, जो कि उक्त दोनों शिकायतें बेबुनियाद व निराधार हैं। शिकायत निरा आधार होने पर उपयुक्त दोनों लोगों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। ये बेवा वाला भी वही प्रकरण है कि उससे काम लिया जा रहा था कि मशीन आप ले आइए, उसे BRD मेडिकल कॉलेज जाना था, वो नहीं लाया, और फिर उसके बाद में यहाँ पे अनिल सिंह एक थे, सस्पेंडेड LA हैं वो, लेकिन वो यहाँ की राजनीति करते रहे हैं, तो उन्हीं के बहकावे में या उनके ही बढ़ावा देने पर उन्होंने ये सब कांड किया था, और उनको डॉक्टर MW खान से उनकी क्या दुश्मनी है ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन कोई भी प्रकरण आता है, जैसे अब ये RG सिंह का जो प्रकरण हुआ, इसमें MW खान किसी सीन में नहीं थे, लेकिन तब भी उनका नाम लेकर के बीच में डाल करके और ये सब कराया गया। ये भी इसमें भी अनिल सिंह का ही रोल है,
उन्हीं के साथ ये घूमते हुए कल दिखाई भी दिए डॉक्टर आरती सिंह, और जा करके थाने में भी तहरीर वगैरह शायद दिए, हाँ विभागीय कार्रवाई करेंगे। कल एसडीएम सदर और सीओ सदर भी आए थे, तो यहाँ से वो निकाला गया है सीसीटीवी का फुटेज, जिसमें डॉक्टर एमडब्ल्यू खान कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे हैं। उसने हमारे यहाँ के एक बाबू अजीज बाबू पे भी आरोप लगाया है उन्होंने, डॉक्टर आरती सिंह ने, वो उनको भी कहीं सीसीटीवी फुटेज में नज़र नहीं आ।